ये आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, चाहे जाने की तमन्ना है। सामिन, ये जो फिक्र है कि फुलां को अल्लाह की लो लग गई है, ये भी वही चाहत लॉन्गिंग है। ये लो हर नफ्स में बराबर भड़क रही है। मसला ये है कि नफ्स को इलम नहीं कि ये लो अपनी असल में है क्या। हम चाहते हैं कि हमें चाहा जाए, कोई हमें चाहे, इसीलिए हम किसी को चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें चाहेगा तो हम मुकम्मल हो जाएंगे। हम खूब जानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, इसीलिए हम तमन्ना रखते हैं कि कोई हमसे मोहब्बत करे ताकि हम कुछ हो जाए। गौर करें, हम सब की यही जिंदगी है। ये ख्वाहिश कि हमें दरियाफ्त किया जाए, हमारी तमन्ना की जाए, हमारे हसूल की तगोदो में कोई हर लहजा सरगर्दा रहे, ये ख्वाहिश हमें सारी जिंदगी इंतहा दर्जे की अजियत में मुबतला रखती है। We long to be loved and it is a constant misery। सामिन, नफ्स हर हाल में किसी न किसी की मोहब्बत का मरकज व महवर होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शुरू दिन से मायूस कुन हद तक तन्हाई का शिकार चला आता है। हम सब ये जानते हैं, क्या हम सब ये नहीं जानते? तन्हाई के रेगजार में गुजरती जिंदगी ही हमारे नफूस में चाहे जाने की ख्वाहिश पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये वजह मौजूद है, तब तक ये मुतालबा भी नफ्स में कायम है कि कोई उसे चाहे। सामिन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस वजह को जानते हैं? क्या उस वजह के नतीजे में अपनी जिंदगियों पर छा जाने वाले असरात से हम वाकिफ हैं? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस वजह से आज़ाद हो सकते हैं? मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, परेशान हूँ। मैं इस तन्हाई, अकलापे और परेशान जिंदगी से गुजरते हुए हर उम्मीद से मायूस हो रहा हूँ। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे तो ये सब बदल सकता है। इस वीराने में फूल खिल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नफ्स के इस मुतालबे की वजह तन्हाई है। सामान्य नफ्स अकेला है, इसलिए किसी साथी की तलाश में है, कोई ऐसा जिससे वो बात कर सके, कोई ऐसा हमराज जिसके सामने वो अपना आप अंदर और बाहर से अय्यां कर सके। क्या हम इस करबनाक तन्हाई को साफ साफ देख सकते हैं? नफ्स की इस करबनाक तन्हाई के बेकरार खला को किसी सूरत कोई इंसान पूर्ण नहीं कर सकता। नफ्स हर तरह से कोशिश करता है, हर तरह की मोहब्बत को अपनी तरफ माइल करता है, लेकिन हर मोहब्बत कुछ मुद्दत के बाद उसे पहले से भी ज्यादा तन्हा और उदास करती चली जाती है। ये इंसानियत का बहुत बड़ा दुख है, ये हर नफ्स का नोहा है। एक पायदार मोहब्बत के हुसूल में सरगर्दा हर लहजा नाकाम होता हुआ इंसान हर आने वाले दिन में पहले से ज्यादा परेशान होता चला जाता है। गौर से देखें, सिर्फ अपनी जात की तकमील की तलब में मसरूफ ये नफ्स किसका है? नफ्स इंसानी अपनी तन्हाई से वहशत ज़दा है। इस तन्हाई से होल खाकर वो किसी की मोहब्बत में पनाह लेने की सर तोड़ कोशिश करता है, लेकिन क्या वो ये नहीं जानता कि वो कभी तन्हाई के इस रेगजार से फरार हासिल नहीं कर पाएगा? नफ्स खूब जानता है, लेकिन खुद से छुपाता है, कामयाबी से इस हकीकत को नज़रअंदाज करता है। नफ्स जानता है कि मोहब्बत अगर पायदार है तो सिर्फ अल्लाह से है, लेकिन चूंकि अल्लाह से भागना उसकी सरिश्त है, इसलिए ये इस पायदार मोहब्बत के हसूल से मुंह फेर कर दूसरों लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करता है। पै दर पै नाकामियों पे गौर व फिक्र करने की बजाय नफ्स उन नाकामियों का आदी होकर खुद तरसी का शिकार हो जाता है, अपने इन्हीं गमों से प्यार करने लगता है जिन्होंने इन्हें हर आन उसकी रूह को सिर्फ जख्म और धोखे ही दिए होते हैं। जब कभी इंसान शिद्दत मोहब्बत से दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है, चीखता चिल्लाता और अपने रब के हजूर आहोजारी करता है, तो दुआ के दौरान उसे एहसास होता है कि कोई उसके साथ
जरूर है।